अंकल हाउडी बना स्मैकडाउन में डर की सच्ची तस्वीर, पर क्या ये नया शैतान बनेगा रोमन रेंस के लिए खतरा? जय उसो ने की ट्राइबल चीफ की बेइज्जती, बोला रोमन क्या कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जानेंगे सारा बवाल जो मचा आज स्मैकडाउन में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों शो की शुरुआत हुई ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ब्लडलाइन के टैग टीम मैच से। एक काफी अच्छे मैच में पीट डन ने सैमी जैन को पिन करके अपनी टीम को जीत दिलाई, जिसके बाद WWE ने क्राउन जूल के लिए उसोस और ब्रॉलिंग ब्रूट्स का अंडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप मैच कंफर्म किया। मैच हारने के बाद ब्लडलाइन में झगड़ा होने लगा, लेकिन ट्राइबल चीफ के एंट्री मारते ही सब शांत हुए। फैंस को एक्नॉलेज मी कहने के बाद रोमन अपने भाइयों से बोले कि अगर तुम सब दूध पीते बच्चों जैसे लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा, अभी के अभी सारी लड़ाई खत्म करो। इतने में सैमी बोले कि मेरे और जय के बीच गलत फहमी है, मैं तो इसे पसंद करता हूँ लेकिन शायद जय मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं इस परिवार का खून नहीं हूँ। फिर जब सैमी बोले कि मैं सिर्फ शांति स्थापित करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे ट्राइबल चीफ ने कहा, तो जय उसो चिल्लाते हुए बोले, मुझे ट्राइबल चीफ के कहने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं झुकेगा नहीं साला। ये सुनकर रोमन के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जय को घूरने लगे। सैमी ने फिर से बीच में आकर मामला संभाला और कहा कि जय को उसी वाली फीलिंग नहीं आती, इसीलिए ये ऐसा कह रहा है। रोमन हंसते हुए बोले कि जय यही तेरी समस्या है, और अगर तू उसी जैसा फील नहीं कर पाया तो मैं सैमी को पूरी तरह से उस बनाकर उसका नाम सैमी उसो रख दूंगा। फिर पॉल हैमन ने क्राउन जूल में होने वाले अंडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच को हाइप किया। एमा ने अपना रिटर्न करके रोंडा राउसी के खिलाफ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच लड़ा, लेकिन रोंडा ने उन्हें रुलाकर हरा दिया। कैरियन क्रॉस ने मैट कैप को बुरी तरह हराकर ड्रू मैकइंटायर को धमकाया। मेन इवेंट में ब्रे वाइट ने एंट्री मारकर अपने दो अलग रूपों के बारे में बताते हुए कहा कि मेरा एक रूप जो अभी सब देख रहे हैं वही मेरा बेस्ट वर्जन है, लेकिन मेरा दूसरा रूप भी है जो मुझे हमेशा भयानक कामों को करने के लिए प्रेरित करता है, आगे मैं और भी भयानक काम करने वाला हूँ। इतने में एक शैतान स्क्रीन पर आकर कुछ डरावनी बातें करने के बाद बोला कि ब्रे वाइट तू एक झूठा है, इसलिए तू मास्क पहना करता था, तूने भले ही मुझे खुद से दूर कर दिया हो लेकिन अब तू अपने अंकल हाउडी से नहीं छिप सकता। ये कहकर अंकल हाउडी रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। तो जितना आगे ब्रे वाइट की कहानी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कुछ अजीब और खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं। र्यूमर्स ऐसे भी हैं कि बहुत जल्द रोमन रेंस और ब्रे वाइट की फ्यूड शुरू होगी, जिसमें अंकल हाउडी ही वाइट को रोमन से लड़ने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन क्या आपके हिसाब से ये नया शैतान ट्राइबल चीफ के लिए खतरा बनेगा? कॉमेंट में जरूर बताएं। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।